राजकीय वाहन चालक संघ का 264 सदस्यों द्वारा 17 पदों पर निर्वाचन संपन्न दिल्ली रोड स्थित महामाया बैंकट हॉल में पूर्व निर्वाचित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को राजकीय वाहन चालक वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। गुरुवार को नामांकन हुआ और शुक्रवार को 6 चरणों में चुनाव परिणाम घोषित किया गया। प्रांतीय अध्यक्ष पद लोकेश शर्मा को विजय घोषित किया गया। प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशन कुमार को जीत प्राप्त हुई। प्रांतीय उपमंत्री अमित कुमार को विजय घोषित किया गया। संगठन मंत्री कोसर अली ने की जीत हासिल। कोषाध्यक्ष विजय कुमार गौतम हुए विजय घोषित। प्रचार मंत्री मोहम्मद तैयब अली निर्विरोध घोषित। लेखक परीक्षक किशन कुमार निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए। सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों व मुख्य चुनाव अधिकारी सुमेश तिवारी डिप्टी कमिश्नर प्रशासन वाणिज्य कर मुरादाबाद द्वारा निर्वाचन विजय प्रमाण पत्र दिए गए। इस मौके पर वरिष्ठ अधिकारीगण व जोनल मंत्री देवराज सिंह निर्विरोध बालाग्राम ईश्वर चंद्र चौधरी रफीकुल हसन आदि लोगों का योगदान रहा। क्या पद है आपके पूरा? जोनल अध्यक्ष मुरादाबाद जोन। आज जो कार्यक्रम चल रहा है, क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये हमारा प्रांत का पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव है और ये चुनाव आज संपन्न 11 तारीख को हुआ था। आज सबकी वोटिंग हो रही है और वोटिंग होने के बाद 4 बजे तक हार जीत का सबका पता चल जाएगा। क्या अपील करेंगे इस मौके पर? इसमें बहुत अच्छा फील होगा क्योंकि इलेक्शन 4 साल से हो नहीं पा रहा था प्रांत का, कोरोना काल के चलते हुए, और हमें निर्वाचित जो है उपाध्यक्ष का पद दिया गया है, निर्विरोध बनाया गया है। क्या संदेश देंगे आज? बहुत अच्छी बात है, जिससे कि संघ हमारा जुड़ा रहे और सबके दुख सुख में काम आता है और सबके अच्छे रहने की कामना करते हैं। ठीक।